प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास सुबह सोराव के पुराना शिवगढ़ के रहने वाले रामलाल के परिवार विध्यांचल दर्शन के लिए तवेरा गाड़ी नंबर यूपी 78 बीक्यू 3601 से दर्शन करने के लिए निकले। जैसे ही हंडिया नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर इरशाद को नींद आ गई और गाड़ी खंभे में जाकर जोरदार टक्कर मारी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और घटना स्थल पर ही 5 लोगों की मौत हो गई व 5 लोग घायल हो गए, जिसमें से गोटू की हालत बहुत ही नाजुक होने के कारण जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज हंडिया ऊपरदहा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। यह घटना हंडिया टोल प्लाजा जनपद प्रयागराज में हुई है। आज सुबह पुलिस को लगभग 6:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टवेरा गाड़ी जिसमें लगभग 10 लोग सवार थे, वे विंध्याचल की ओर जा रहे थे, तभी बिजली के पोल से गाड़ी अनियंत्रित हुई और उनका बैलेंस बिगड़ गया। इस पर लगभग 5 लोग जो घायल हैं उनको SRM हॉस्पिटल भेजा गया है। अब तक की पूछताछ में और घटना का निरीक्षण स्थल में 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। जो लोग घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल भेजकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उनके परिवार से संपर्क कर यथासंभव सभी मदद पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है। सर कहाँ पे रहने वाले थे ये? अब तक की जानकारी में ये थाना सोराव शिवगढ़ जनपद प्रयागराज के रहने वाले थे और ये विंध्याचल की ओर जा रहे थे, तभी ये घटना हुआ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।